नमस्कार, डीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। अक्षत कलशों का विधिवत पूजन कर खंडों व मंडलों के विभिन्न ग्रामों तक पहुंचाएगा एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्थानीय गौशाला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में इन कलशों का पूजन किया गया, फिर इन्हें रवाना किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य निर्माण उपरांत गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु अयोध्या से आए इन अक्षतों को जिले के प्रत्येक ग्राम के मंदिरों तक इन अक्षतों को पहुंचाने का दायित्व विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल को सौंपा गया है, इसे हम पूर्ण करेंगे। वहीं स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाहक अशोक अग्रवाल ने बताया कि आगामी पौष शुक्ल द्वादशी दिनांक 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूर्वाह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक के कार्यक्रम से देश भर के लोगों को जोड़ने हेतु ग्राम मोहल्ले कॉलोनी में स्थित मंदिरों पर राम भक्तों को एकत्रित होकर भजन पूजन करें एवं LED स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि घंटानाद कर आरती कर प्रसाद वितरित करें। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की संध्या को अपने घर के सामने सभी देववासी दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ।